लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। रहिए, इस बार अभिरंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे, चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं, तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। जरूरत हुई, जरूरत हुई, आप जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बे इंतहा, उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष में आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। आजादी की इस लड़ाई में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, वो किसी दल के थे या नहीं थे, इन सब से परे उठ करके देश के लिए जीने मरने वाले लोग, देश के लिए जवानी खपाने वाले लोग, ये हर किसी को स्मरण करने का, पुण्य स्मरण करने का अवसर है और उनके सपनों को याद करते हुए कुछ संकल्प लेने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब संस्कार से, स्वभाव से, व्यवस्था से लोकतंत्र के प्रतिबद्ध लोग हैं और आज से नहीं सदियों से हैं। लेकिन ये भी सही है, आलोचना ये जीवंत लोकतंत्र की, जीवंत लोकतंत्र का एक आभूषण है। लेकिन अंध विरोध ये लोकतंत्र का अनादर है। सबका प्रयास, इस भावना से भारत ने जो कुछ हासिल किया है, अच्छा होता उसे खुले मन से स्वीकार किया गया होता, उसका स्वागत किया जाता होता, उसका गौरवगान करते। बीते 2 सालों में 100 साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकट
पूरी दुनिया की मानव जात झेल रही है। जिन्होंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया, उनको तो आशंका थी कितना बड़ा विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधता, ये आदतें, ये स्वभाव, शायद ये भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, भारत अपने आप को बचा नहीं पाएगा, यही उनकी सोच थी। लेकिन आज स्थिति क्या है, मेड इन इंडिया कोविड टीके, कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है। आज भारत शत प्रतिशत पहली डोज इस लक्ष्य को के निकट करीब करीब पहुंच रहा है और लगभग 80% सेकंड डोज उसका पड़ाव भी पूरा कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? भारत जैसे आपको मैं बहुत प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अधीर रंजन जी आपको पर्याप्त समय माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया। कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? लेकिन जब आप खड़े ही हो गए तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं, अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं, इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान दूंगा आपको, प्लीज